उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन पीन व्हील सैंडविच की रेसिपी। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। पुदीना थोड़ा सा हरा धनिया, दो हरी मिर्चें, आधा लेमन की ज़रूरत पड़ेगी, दो जवे लहसुन के, हाफ टी स्पून चीनी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक। ये मैंने एक पाव चिकन लेके उसे नमक डाल के थोड़ा सा और बॉयल कर लिया और शेड कर लिया। छः पीस चाहिए हमें ब्रेड के, केचप चाहिए, मेयोनीज चाहिए और ये हमारे पास मक्खन है। पहले हम चटनी बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ग्रीन चटनी मैंने पीस ली है और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ग्रीन चटनी है। इसकी भी मैंने आपको एक टिप्स देनी है, जब भी आप चटनी ग्रीन पीसें तो इसमें या तो ठंडा पानी डालें या थोड़ी सी क्यूब्स बर्फ की डाल दें। उसके डालने से क्या होता है, चटनी जो होती है काली नहीं होती है, जार हमारा गर्म नहीं होता, गर्म होने की वजह से चटनी जो है काली हो जाती है। अब ये देखें कितनी ग्रीन है, मैंने इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ और हल्का सा ठंडा पानी डाला था जिसकी वजह से ये देखें चटनी कितनी ग्रीन है। चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें चाहिए दो बोल्स, ये 2 टेबलस्पून हमारे पास मेयोनीज है, आती हम 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी और 1 ही टेबलस्पून मैं यहाँ डालूंगी। अब हमने ग्रीन चटनी डालनी हैगी, ये हमने ग्रीन बनानी तो हमने हाफ चटनी डालेंगे। वैसे भी मैंने मिर्चें बहुत कम ली हैंगी ताकि बच्चे आराम से खा सकें, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर हाफ चिकन डाल लेंगे हम इसमें, ये हमारी ग्रीन टॉपिंग हो गई। ठीक है, अब हम टमाटर केचप डालेंगे इधर। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ताकि मज़ेदार सा हमारा जो है सैंडविच बने, बच्चों को भी अच्छा लगे, हम बड़े खाएं हमें भी अच्छा लगे। और ये जो चिकन है ये हम डाल देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टॉपिंग हमारी तैयार हो गई हैं, ये केचप के साथ और ये ग्रीन चटनी और मेयोनीज है, ये केचप मेयोनीज चिकन। अब हम इसको साइड पर रखते हैं, ब्रेड के स्लाइस लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके हमने किनारे काटने, चारों तरफ से हमने इसके किनारे काट लेने। ये देखें इस तरीके से हम सारे स्लाइस के कॉर्नर्स काट लेंगे। चले मैं फिर सारे स्लाइस के कॉर्नर काट के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारे स्लाइस के मैंने कॉर्नर्स काट लिए। अब हम इनको हल्का हल्का से रोलर पिन से बेलते हैं, बिस्मिल्लाह। ये हम इसको रोलर पिन से बेल लेंगे सारे स्लाइस इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा हमने सारे यानी कि जो मैंने अभी ये सेट करना है, ये देखें इस तरह एक रखा। फिर इसी तरीके से हम ये पानी लगाएंगे। यहाँ पानी हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखें तीनों हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है था और तीनों स्लाइस को अच्छी तरीके से, ये देखें एक दफ़ा फिर हम रोल पिन से इसको सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट कर देना हमने। ठीक है, ये देखें मैंने इसके नीचे एल्युमिनियम फाइल रख के और ये सैंडविच को सेट कर रही। ये देखें हमने नीचे एल्युमिनियम फाइल लगाकर अब इसके ऊपर हमने मक्खन लगाना है अच्छी तरीके से सारे स्लाइसों पे। और ये मेरा घर का मक्खन बना हुआ है, मैं आपको इसकी भी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। आजकल में मैंने आपको मक्खन बनाना भी बताना हैगा, ये होममेड मक्खन हैगा और बहुत अच्छा रहता है मक्खन। अब ये देखें ये हमने जो ग्रीन सॉस बनाई है, जो हमने टॉपिंग बनाई है, वो हम इस तरीके से डेढ़ ब्रेड पे, यानी कि एक ये हो गई, एक ये है, एक ये तीन मैंने रखी है, तो हम ये डेढ़ ब्रेड तक ये ग्रीन वाला लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये जो आती ब्रेड है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर हम ये लगा देंगे रेड वाला। बहुत ही आसानी से ये बनने वाले सैंडविच होते हैंगे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैंगे।
वैसे भी अब स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप लोग ये तैयार करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छी तरीके से फैला दें, ये देखें अच्छी तरीके से लग गया। अब हम फॉयल के थ्रू इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से लपेटेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत हल्के हाथों से फॉयल को हमने अभी रैप करना है इसके ऊपर, पहले हम इसे लपेट लें। माशाल्लाह से सही रैप हो रहा है हमारा, ये बहुत हल्के हाथों से आप लोगों ने इसको लपेटना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गया है, अच्छी तरीके से, ये देखें अच्छी तरीके से इसे रैप करना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसे हमने फ्रिज में आधे घंटे तक रखना है ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। ये एक हमारा बन गया, अब मैं दूसरा भी आपको बनाना बताती हूँ। ये दूसरा भी मैं बनाना बता रही हूँ आपको, पहले इस पे आप पानी लगाएं। अब मैंने पहले ही एल्युमिनियम फाइल रख दिएगी, ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से पानी लगाएं आप इसमें और तरह से सेट करें। पिन से हम इसको सेट करेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो ब्रेड हैं वो जुड़ गए हैं, ये देखें, ये देखें। अब इसके ऊपर फिर मक्खन लगाएंगे हम, ये दूसरा वाला हम तैयार कर रहेंगे। ये देखें मक्खन कितना अच्छा है, घर का मक्खन, माशाल्लाह से खुशबू इस कदर इसकी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा बनता है घर में मक्खन और काफी ज्यादा भी बन जाता हैगा। अच्छी तरीके से लगाने के बाद हमने ये रेड वाला जो हमने बनाया है का इसके ऊपर लगा देते हैंगे। अच्छी तरीके से फैला दें, अच्छी तरीके से। अब जो ये ग्रीन वाला है का, ये ग्रीन लगा देंगे इसके ऊपर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें तीन तीन मैंने स्लाइस लिए थे तो डेढ़ इस पे और डेढ़ ये, इस तरीके से आपने लगाना हैगा। अब ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हल्के हाथों से इसे लपेटते जाएं, बहुत हल्के हाथों से आपने ये काम करना हैगा। माशाल्लाह से सही बिल्कुल रैप हो रहे हैं हमारे ये सैंडविच, ये देखें ये हो गया। अब हम फॉइल में लपेट लेते हैं इसे, ये देखें फॉइल में हम अच्छी तरीके से लपेट के और तकरीबन 8-1.5 घंटे के लिए, हमने 30 मिनट के लिए इसको हमने फ्रिज में रखना हैगा। तैयार कर लिए, अब मैं 1/2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखूंगी, फिर उसके बाद कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें 1/2 घंटा हो गया, अब हमने इसे फ्रिज से निकाल दिया, अब इसके हम स्लाइस करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें इसके हमने स्लाइस बनाने, ये देखें इस तरीके से हम ये स्लाइस कर लेते हैं। मैं सारे स्लाइस काट के फिर आपको दिखाती हूँ। हमने ये काट लिया, अब दूसरा भी हम काटते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें इतना अच्छा बना हुआ सैंडविच, आप ऐसे भी कर सकते हैं बीच में से दो करके फिर यहाँ दो कर दें। ये मैंने 5 स्लाइस बनाए हुए हैंगे, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी, अब आप पर डिपेंड करता है आप कितने चौड़े बनाना चाहते हैं। ये देखें वैसे मुनासिब है ये साइज, इसी तरीके से हम काटेंगे ये भी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्लाइस बना लिए मैंने, अब मैं सर्विंग डिश में रख के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें हमारे चिकन पिनव्हील सैंडविच तैयार है,
और अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत आसानी से बन जाते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और अब स्कूल खुलने वाले हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, कोई आपके घर मेहमान आए आप उसमें भी बनाकर उन्हें खिलाएं, शाम की चाय पे भी अच्छे लगते हैं। सैंडविच तो आप सुबह दोपहर शाम जिस टाइम भी खाएं आपको अच्छे लगेंगे, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बनाना बताया है तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, देखें बहुत अच्छे मज़ेदार ये सैंडविच हैं। और ये जो केचप है ये भी मेरी होममेड है, मैं आपको बहुत जल्द इसकी रेसिपी दूंगी, और मेयोनीज की मैं आपको रेसिपी दे चुकी होंगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी बेटियों के साथ, बहनों के साथ और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। शुक्रिया।